तो ए गाइस आओ यू हो गया, बच्चे होंगे। और गाइस इस वीडियो में आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस सीएससी जो है ना, बहुत बुरी तरह फटने वाला है। और फटने इन द सेंस कि बहुत बुरी तरह से कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट जॉब का जो है उसको लेकर के होने वाला है। उसका कई सारा रीज़न है, वन ऑन वन करके एक्सप्लेन करता हूँ, वन ऑन वन करके आपसे डिस्कस करता हूँ, और फिर हम उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि सीएससी किस तरह से हावी हो रहा है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, मैक्सिमम लोग जो एआई में हैं, गाइज मैं बता दूं आपको, आज एक लड़की ने करियर काउंसलिंग मेरे से ली, 8 साल हो गए सीएससी की दुनिया में जॉब करते हुए, 8 साल बाद वो मैडम मेरे से पूछ रही हैं कि सर क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मतलब आप सोचो ना, 10 साल मेरे को इंडस्ट्री में रहते हुए और 10 साल प्लस हो गए, 8 साल उनको एक्सपीरियंस है, उनको खुद डाउट हो रहा अपने आप पे। मैंने उनको समझाया कि आई थिंक वो एआई सीख रही हैं, एआई की क्लासेस ले रही हैं, एआई लर्निंग कर रही हैं, एआई पे काम कर रही हैं, एआई में अपग्रेड कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है। जो जॉब में होते हैं ना, वो अपग्रेड करने में बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो मुझे नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेंगे और मेरा करियर स्टॉप हो जाएगा। सो दे आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ या हर सेल्फ। सो कंप्यूटर साइंस में क्यों बोल रहा हूँ फटने वाला, इतने सारे लोग एडमिशन लिए गाइस, इतने सारे लोग एडमिशन लिए पिछले 7-8 सालों में कंप्यूटर साइंस, जिसके मुंह से सुनो कंप्यूटर साइंस एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करना है किस रेट से कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग करना किस रेट से कंप्यूटर साइंस। कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे को मिला हो। अगर पता, मैं करियर काउंसलिंग देता था और अभी भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि देता था, दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम लोगों से जब मैं, मेरी बात होती थी, तो अगर मैं कुछ लोगों को सजेस्ट कर भी देता था कि आप जो है करियर काउंसलिंग किसी और ट्रेड से, अगर मैं काउंसलिंग देता था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें चले जाइए, तो लोग बोलते सर उसमें क्यों, पैसा नहीं है, आप ये नहीं चाहते कि मैं पैसा कमाऊं, आप खुद नहीं चाहते कि मैं पैसा कमाऊं। मैं उनको समझाता था कि देखो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर आपने देखा नहीं है, आने वाला टाइम कैसा होगा आपको पता नहीं होगा। तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी होगा। आज वही लोग जब मेरे से करियर काउंसलिंग लेते हैं तो कहते हैं सर आप सही बोल रहे थे। ऑल दो मुझे भी नहीं पता था, मैं कोई ज्योतिष या धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी ना हूँ कि पर्ची निकाल करके कुछ भी बता दूंगा। तो मैंने उनसे बोला देखो इतना आइडिया मुझे भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी हावी हो जाएंगी। ऑल दो अगर आपका माइंड सेट था तो आप भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को उस लेवल पर लेके जा सकते हो। लेकिन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था में या किसी भी सेक्टर में इतने लोग आ जाते हैं जितनी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर उसमें ना मतलब एक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्राउड हो जाती है, फिर उस क्राउड में से निकलना ना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम भी उसी क्राउड का पार्ट हो गए हैं। अभी सीएससी में यही हो रहा है कि मैक्सिमम लोग उस क्राउड का पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि एआई आ जाने से ना और भी चीज़ें हो गई कि मैक्सिमम लोग उसी क्राउड में चले गए हैं। कुछ लोग जो क्राउड से हटे हुए थे ना, वो भी जब क्राउड भाग रही ना, वो भी उसी क्राउड में आ गए हैं, उस क्राउड में वो गुम हो गए हैं। उनको खुद ही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, उस क्राउड से निकलना कैसे है, उस क्राउड से निकलेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, उस क्राउड से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे आप काम करिए, एआई की दुनिया में आप जाइए, एआई से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखिए, एआई से रिलेटेड कोई कोर्स है तो उसको करिए, चाहे पेड हो चाहे वो अनपेड हो, लेकिन सही जगह से करिए। ये नहीं कि कहीं भी ऐरा गहरा कहीं भी आपने करना शुरू कर दिया अनवांटेड जगह से। गूगल भी कई सारे एआई के कोर्सेज करवा रहा है, कई सारी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले बेसिक एआई जानिए। यूट्यूब पे कई सारी जगहों पे बेसिक एआई फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिक एआई सीखिए, बेसिक एआई सीखेंगे फिर एडवांस एआई सीखिए, एडवांस एआई के बाद ही आप अपने जॉब में या फिर जॉब जहाँ पे लेना है वहाँ पे आप करियर को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप ये करने में सफल रहे, उसके बाद भी अगर आप सफल रहे तभी आप करियर लेके आगे जा सकते हो, अदरवाइज गाइज आप उसी क्राउड में वापस आ जाओगे। टफ हैं चीज़ें, टफ हैं। पैसा आज भी है, पैसा कल भी था और पैसा हमेशा सीएससी में रहेगा, ठीक है, लेकिन उस क्राउड से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वो जो लाइन है अब उस लाइन को क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा।
लाइन क्रॉस कर लिया, आप सीएससी में राजा हो, नहीं क्रॉस कर पाए आप पीछे रह जाओगे। वीडियो में इतना ही, और जिनको अभी भी डाउट है करियर काउंसलिंग का, अभी भी लिंक ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।